थैंक गॉड इस बार जो हुआ है ना उसका ठीकरा हमारी धरा के सर पर नहीं फूटेगा। क्या हुआ है? अब आपको पता है ना कुलदेवी के मंदिर से शिव और रावी जो है वो किडनैप हो गए, लेकिन क्योंकि धरा जी हर बार घर वालों को बचाने के लिए ही सही सासू माँ से चीजें छुपाती हैं इसलिए फंस जाती हैं, लेकिन इस बार थैंकफुली जाते ही इन्होंने सब कुछ बता दिया सासू माँ को तो बच गई। कौन सा शो? वही संदीप पंड्या वाला, मेरा मतलब है पंड्या स्टोर्स। किसे कहा था तुझे बीच में आने को? काली तेरी वजह से मेरे बच्चे को चोट लग गई। धरा की सासू माँ के लिए ये डंडा घुमाना बाएं हाथ का खेल है। जरा देखिए अब उसके डंडे की चपेट में मामी कैसे आते आते बच गई। घमासान ये हो रहा है कि मामी आकर पूछ रही है कि कहाँ है उनकी बेटी, और उनकी बेटी हो गई है किडनैप। अब सारा इल्जाम फिर से धरा पे आ जाए। इससे पहले ही धरा ने बोल दिया कि भाई किडनैप हो गई है, मेरे को नहीं पता, कल परसों से जाके मैं छुपाने गई और फिर से मैं सबकी गुस्सा सबकी गालियाँ सुनूंगी। भाई अब है वो धरा हमारी हीरोइन है, अभी हीरोइन पे अत्याचार तो होना ही पड़ेगा ना। अगर हम अत्याचार नहीं करेंगे हीरोइन पर तो लोगों को मजा कैसे आएगा, है ना? माँ डंडा मारने जाती है, मामी को बीच में धरा आ जाती है और इनकी मार मैं खा लेती हूँ, तो हर चीज मेरे ऊपर ही आ रही है, हर चीज धरा के ऊपर ही आती है। अगर धरा नहीं आती बीच में तो आज मामी की खैर नहीं होती। क्या आप एक बार फिर से एक्शन रिप्ले में ये सीन देखना चाहेंगे? जैसा कि आपने हमारे ही शो में देखा था कि रावी और शिवा किडनैप हो गए हैं। घर पर आकर जब धरा ने अपनी सासू माँ को ये न्यूज सुनाई, फिर क्या सासू माँ तो हक्की बक्की रह गई। शिवा का अपहरण क्यों करेगा ये? कौन नया दुश्मन पैदा हो गया जो उसको उनको उनको अपहरण करेगा? क्यों करेगा? उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर शिवा और रावी को कोई किडनैप क्यों करेगा। अब मामी ये खबर सुनकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पुलिस थाने जाने की धमकियां देने लगी। फिर क्या धरा की सासू माँ को गुस्सा आया और उसने डंडा दे मारा। यार मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना वैसी चाहती नहीं थी कि उस पागल से शादी हो उसकी, है ना? तो मेरे लिए चांस है कि भैया तू घर चल चल, तेरे सूट कैसे ले जा रही हूँ ये ले जा रही हूँ, हम इस पागल के साथ नहीं रहना है। बट somehow ठीक है, लड़की बेचारी हमारी इतनी तकलीफ हो रही है तो ले जाओ आज। क्या अब सबके मन में यही सवाल है कि धरा और शिवा आखिर गए कहाँ? खैर गौतम और देव गए हैं ढूंढने के लिए। अब तो भाई इंतजार ही कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि गौतम और देव अच्छी खबर लेकर आए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।